हंसना सख्त मना है। वाह क्या खुशबू है इसकी, मजा आ जाएगा। एक घंटे से तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही हूँ मैं। शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए, नया सूट सिलवाना है। नया सूट ही तो पहना है, लेकिन तुमने एक बार तारीफ नहीं की। ओह मैंने सोचा ये पुराना सूट है जो एक बार साइक्लोन में उड़ के हमारे घर आ गया था ना। तुम्हें तो मुझ में दिलचस्पी नहीं है। यही सूट अगर पड़ोसन ने पहना होता ना तो तुम्हें ये भी याद रहना था कि इसमें कितनी फूल बूटियां हैं। नहीं मुझे तो ब्रेकफास्ट में नहीं याद रहता कि मैंने क्या खाया, सूखी ब्रेड खाई है या फीका दूध पिया है। क्यों तुम कुत्ता हो या बिल्ली हो जो मैं तुम्हें सूखी चीजें डालती फिरूं? इतने प्यार से मैं कभी फ्रूट सैलड बनाती हूँ, कभी आलू के परांठे, कभी मसाला ऑमलेट, और तुम्हें ये सूखी चीजें याद रहती हैं? अब मैं क्या करूं, मेरी मेमोरी बड़ी वीक हो गई है। मेमोरी वीक। किसी दिन तुम ये भी ना भूल जाना कि तुम्हारी मुझसे शादी हुई है। तुम तो हर बात पे लड़ने को आती है, और नाम रखा है तुमने संतोष। क्यों तुमने नहीं अपना नाम रखा प्यारा से? एक बोल प्यार का बोलना नहीं आता तुम्हें? इससे अच्छा तो मैं दफ्तर ही चला जाता हूँ। तो क्यों बैठे थे घर छुट्टी लेके? छुट्टी मैंने इसलिए ली थी कि सारा दिन तुमसे प्यार से बातें करूंगा। मैं दफ्तर ही जाता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। आ गए। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम छुट्टी कैंसिल करके वापस आओगे, क्योंकि तुम्हारा छुट्टी लेने का कारण ही बड़ा घटिया था। बीवी से बातें कर। सर मेरी बीवी को बड़ी देर से शिकायत थी कि मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है, मैं उससे बातें नहीं करता। उससे बातें करने के लिए स्पेशल छुट्टी ली थी सर। अरे भाई लोग इंटरनेट पर दूसरों की बीवियों से बातें करते हैं, हैं? और तुम अपनी बीवी से बातें करने के लिए स्पेशल छुट्टी लेते हो? सॉरी सर गलती हो गई। तुम्हारे कमरे में कंप्यूटर है? हाँ जी सर। है ना, इंटरनेट का कनेक्शन भी है? जी सर। तो फिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सर मुझे इंटरनेट की समझ ही नहीं है। लो इसमें क्या है मैं बताता हूँ, चलो तुम्हारे कमरे में आइए सर। अरे यार मेरे हस्बैंड अगर 15 दिन भी घर से बाहर रहे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इंटरनेट पर चैट करती रहती हूँ। लेकिन किससे? मेरे तो बहुत सारे इंटरनेट पे फ्रेंड्स हैं, और एक तो ऐसा है जो मेरे बर्थडे को तो क्या मेरे डॉगी के बर्थडे को भी नहीं भूलता। अच्छा इट्स रियली एक्साइटिंग यार, व्हाई डोंट यू ट्राई, कम ऑन। मैं ट्राई? हाउ डू आई स्टार्ट, कैसे शुरू करूं? हाँ तो ऐसा कर, कोई भी एक अपना पासवर्ड चूज कर ले। भिंडी चूज कर लेती हूँ। भिंडी? कम से कम एप्पल तो रख ले यार। शिवानी मेरा पासवर्ड रहने देना। अच्छा ठीक है, अब कोई भी चैट रूम सिलेक्ट कर ले, और जैसे ही तो अपना नाम टाइप करेगी कई नौजवान हेलो हाय करने आ जाएंगे। लेकिन अगर बात बढ़ गई और वो घर आ गए फिर? घर? तो फिर तुझे अपना घर का पता देने की क्या जरूरत है? कम ऑन यू जस्ट एंजॉय द टॉक्स, कम ऑन। ओके लेट्स डू इट। क्या बात है भाई, जब से इंटरनेट सीखा है बड़ी टाइयां शाइयां लगानी शुरू कर दी है। बस वैसे ही सर। वैसे प्रोग्रेस क्या है? सर इंटरनेट पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सहेली बन गई है, शैली नाम है उसका। सर मैं तो एक घंटा पहले ही रोज दफ्तर आ जाता हूँ इंटरनेट ऑन करने। अब आएगा मजा इसे सस्पेंड करवाने का। सर क्या सोच रहे हैं आप? यही कि रंगे हाथों पकड़ूंगा। किसे सर? मेरा मतलब है कि तुम शैली के साथ अपनी दोस्ती में अपने आप को रंग लो। सर हमारे तो इंटरेस्ट पहले ही बड़े मैच करते हैं सर। अच्छा। उसे म्यूजिक का शौक है, मुझे भी। उसे फिल्मों का शौक है, मुझे भी। मुझे तो पहले ही शक था कि तुम दफ्तर के टाइम फिल्में देखने जाते हो। नहीं सर। मेरा मतलब है कि भाई वो इंटरनेट वाली अपनी सहेली के साथ कुछ फिल्म देखने का प्रोग्राम क्यों नहीं बनाते? मैं ट्राई करूंगा सर। सर आप कितने अच्छे बॉस हैं, अगर ऐसे बॉस हर दफ्तर में हो जाएं लोग घर ही ना जाएं दफ्तर में ही सो जाएं। ठीक है आप चलो मुझे जरा सोने दो। नहीं सर। मेरा मतलब कुछ काम करने दो मुझे। ओके सर। एक बार ये दफ्तर के टाइम फिल्म देखते हुए पकड़ा जाए तो मजा आ जाए, मैं इसका जीना हराम कर दूंगा दफ्तर में भी और घर में भी। संतोष। ओ संतोष। हाँ जी। मैं जा रहा हूँ दफ्तर और 2-3 घंटे लेट आऊंगा। वेरी गुड वेरी गुड। मेरा मतलब तुम बाहर जा रहे हो ना तो खाना भी खा लेना, बड़ा मजा आएगा। खाना बाहर मैं खाऊंगा, मजा तुम्हें आएगा। मैं शिवानी के घर चली जाऊंगी ना, मैंने अचार डालने की रेसिपी सीखनी है उससे। चलो मुझे क्या। उसने इंटरनेट पे बताया था कि काला सूट पहना होगा, उस पे लाल फूल होंगे और काली चुन्नी, लेकिन शैली तुझे ढूंढू कहाँ।
पप्पू बर्बादी ने आज तक जिस किसी की भी फोटो खींची है वो सभी लोग बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। बोलिए सर, किसकी फोटो खींचनी है? देखो पप्पू, वो जो प्यारा सिंह है ना, वो जब शैली को फूल पकड़ाएगा तुम उनकी फोटो खींच लेना, बर्बाद करके रख दूंगा। ओके सर। ओ सॉरी। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हाथों में फूल लेकर? अरे काला सूट लाल फूल, हरी कमीज, शैली, संजू। अरे तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे धोखा दिया नाम बदल के। क्यों, तुमने भी तो अपना नाम बदलकर इंटरनेट पर बड़ी रोमांटिक बातें की मुझसे। अरे भी स्माइल प्लीज। थैंक यू सर, मैंने इन दोनों की फोटो खींच कर इनको रंगे हाथों पकड़ लिया है। कम बखत, ये दोनों तो पति पत्नी है।